गांव से वीरपुर गांव जाता था, मुझको तरह तरह की रंग बिरंगी बालों वाली धाने दिखती थी, कई तरह की, कई धानों को तो मैं पहचानता था लड़कपन से ही। तो मैंने देखा कि वो धाने सब खत्म हो गई, जैसे ही हरित क्रांति आई 70-80 के दशक तक तो बोई जाती थी, उसके बाद वो समाप्त हो गई। तो हमने सोचा कि इनको भी बचाना जरूरी है, क्योंकि हमारे लोक साहित्य का कोई और चित्र न रह जाएगा जब हमारे देसी अनाज ही न रह जाएगी। हमारे सतना जिला के दो आदिवासी बाहुल क्षेत्र, एक पसमनिया है, मझगवा चित्रकोट वाला क्षेत्र। तो पसमनिया पठार में कुचेहरा ब्लॉक में 84 गांव, तो उन 84 गांवों में से 30 गांवों में हमने जैविक देसी अनाज उगाने का एक कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए, जो हाइब्रिड बीज आया यहाँ जो तैयार होता था भारत में, तो ठीक था, उतना महंगा नहीं आता था। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वगैरह जो देते थे तो इतना महंगा नहीं देते थे, लेकिन जब से ये बहुराष्ट्रीय कंपनी विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत जो मोनोसेंटो वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई, वो बीज देने लगी, तो बहुत महंगा बीज देती हैं। अब क्या होता है, किसान को एक बार उनने लालच दे दिया, आत्महत्या का क्यों करता किसान। सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है दो चीज़ों में, हमारे यहाँ होती है मध्य प्रदेश में सोयाबीन में, महाराष्ट्र में होती है बीटी कपास में। उसके पीछे ये कारण है, जैसे जितना ये सोयाबीन की खेती है, ये क्या है, पूरी तरह से माने व्यापार संस्कृति की देन। यहाँ तो 50 प्रजातियां लोग भी बोते थे। किसान क्या करता था कि देखता था, जैसे 2-3 साल एक धान को बोया, अब देखा कि दूसरे खेत में कोई अच्छी धान, तो उसको ले ला के बोने लगा। बौनी किस्में आई तो बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो गई। तो तब तो हमने ये काम शुरू किया, तो अब किसान लोग देसी की तरफ फिर से उनका रुझान बढ़ा है। मुझको 10-12 प्रकार की धान मिली, फिर 30-35 मिली, फिर 40-45, ऐसे होते होते आज हमारे पास 110 प्रजातियां हैं धान की। हमने एक संस्था भी बना रखा, सरजना सामाजिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच है उसका नाम। हर गांव के 15-15, 20-20 किसानों को हमने बीज वितरण किया, देसी बीज दिया है, और उनको बताया है कि आप लोग जैविक अनाज उगाओ। पहले हमारे यहाँ जो है, तो जब से जो देसी जो अनाज थे, तो पूरा देसी अनाज जो है तो बोना ही छोड़ दिए थे। ये हाइब्रिड आ गया, और जब से हाइब्रिड आ गया तब से इसमें बहुत ज़्यादा लागत लगती थी, लेकिन जब से बाबूलाल दाहिया हमें बढ़िया प्रशिक्षण दिए और हमें बताए, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। तो इस प्रकार के गांव के लोग जो है, तो अपने ज़मीन के हिसाब से उनके यहाँ से धान ले जाते हैं। जैसे उनकी ज़मीन है, जो हल्कन ज़मीन है, तो हल्के बीज ले जाते हैं, कि जो कि 90-100 दिन के बीच में पक जाते हैं। जो थोड़ा सा गरुहन ज़मीन है, तो उसमें जो है तो 100-130 दिन वाली धान ले जाते हैं। जैसे 10 किलो ताजा गोबर, 10 किलो गोमूत्र, और बरगद के नीचे की मिट्टी या बामी की मिट्टी, 1 किलो आटा उसमें डाल दिए चने का, इस तरह का अगर बनाया जाए, जीवामृत बनाया जाए, तो उसमें पैदावार भी बढ़ जाती है और खेत भी खराब नहीं होता। तो बिल्कुल हमारे ये देसी अनाज उसके लिए फिट है। हमने तो प्रयोग करके देखा, जैसे हमने बोया था 1 अगस्त को दोनों किस्मों को, आई 36 को भी और नेवारी को भी, तो उसमें हमने देखा कि ऋतु से संचालित होने के कारण हमारी नेवारी तो 90 दिन में पक गई, लेकिन आई 36 ने फिर 120 दिन दे लिया। उसमें हमको 3 अतिरिक्त सिंचाई करना पड़ी। तो हमारी जो देसी प्रजातियाँ हैं, हजारों साल से यहाँ की परिस्थितिकी में रची बसी हैं, यहाँ की जलवायु में रची बसी हैं, तो वो कम वर्षा में पक जाती हैं, लेकिन जो बाहरी आई हैं उनमें ये गुण नहीं है। हमने इस साल 10 किसानों को चुना है जिनको हमने देसी बीज दिए हैं, और कैसे दिए हैं, यहाँ की 3 प्रजातियाँ, तो उसमें हमने तिलसान लगवाया, यहाँ की एक मशहूर धान है, सुगंधित धान,
और दिलवक्सा लगवाया है और कमल तीनों सुगंधित धान है। पहले उनके बताए के अंदर से हमने ऐसे खेत पर बो देते रहे। अब बाबूलाल जी की जो बताए कि जो घाटा मतलब कतार बाई कतार यानी लगामे के जो बताएं तो यानी हम एक पौधा गाड़े तो अच्छी मतलब उपज भी यानी पहले से यानी हमका दुगनी तिगुनी मतलब उपज मिलने लगी। हम इस शर्त पर लगवाएं कि तुम्हारी जितनी धान पैदावार होगी बीज घर में रख लेना, बाकी सब हमको दे देना 25 रुपए किलो, हम पूरी खरीद लेंगे। सरकार का रेट है 15 रुपए, हम सीधे 25 रुपए खरीद लेंगे। मुझे बोले कि यानी कोई खाद कीटनाशक कोई नहीं डालना, तो अभी देसी खाद डाल के रहे कि जो गोबर की खाद, तो हम उपज अच्छी मिलेगी। जो हमारी परंपरागत खेती है उसमें आत्महत्या कहीं सवाल है नहीं, क्योंकि किसान पहले से जानता है कि 3-4 वर्ष में एक वर्ष सूखे का होता है, तो पहले से वो तैयार है। वो जानता है कि पाला पड़ सकता है, गर्दी पड़ सकती है, ओला पड़ सकता है, तो पहले से तैयार है। उसमें जो परंपरागत खेती में क्या था कि सिर्फ किसान का, उसके बैल का, उसके परिवार का श्रम जाता था, लेकिन आज जो खेती हो गई वो पूंजी की खेती हो गई। वो जो पारंपरिक की खेती थी, जो पुरानी धान थी, कम समय में पक जाती है। अब ये कम समय वाली धान है, इसलिए इसमें जो है तो लागत भी कम है और पक भी जल्दी आती है, और इसमें अच्छा पैसा भी मिलता है, जिससे हमारे परिवार को पालन पोषण अच्छी तरह से होता है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि पूरा क्षेत्र जैविक क्षेत्र हो और उनके उत्पाद को हम बाहर भिजवाएं, ताकि यहाँ के किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो।